രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനായി ചേരുന്ന ചിന്തൻ ശിബിർ സമാപനത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തത്സമയത്തിലേക്ക് हाँ, उस राज्य का एक टैग हो सकता है उस राज्य का एक नंबर हो सकता है लेकिन पहचान कॉमन बने इस पर सोचा मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं न मैं कभी आपसे आग्रह भी करता हूं मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पर चर्चा कीजिए कभी ठीक लगे पांच साल पचास साल सौ साल के बाद भी उपयोगी लगे अगर तो जरूर देखिए उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की पुलिस के नए नए विभाग शुरू हुए हैं एक्सपर्टाइज आई है अब हम देखिए दुनिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है भारत में टूरिज्म की संभावना है बहुत बढ़ रही है विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्टों का भारत में आने का प्रवाह बढ़ना ही बढ़ना है आज दुनिया में कई देश जो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे हैं वहां टूरिज्म के लिए काम करने वाली पुलिस बनाई जाती है उनकी ट्रेनिंग अलग होती है उनको लैंग्वेज भी सिखाई जाती है उनके बिहेवियर पूरी तरह चेंज होता है और यात्रियों को भी विदेश के टूरिस्टों को भी पता होता कि भाई ये ये मदद करने के लिए पुलिस की व्यवस्था है और वो पुलिस होने के कारण वो पुलिस एनफोर्समेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उससे भी बड़े आसानी से संकलन कर पाता है कभी ना कभी हमें हमारे देश में इस विधा की एक्सपर्टाइज को डेवलप करना ही पड़ेगा ताकि भारत में ये जो सब और टूरिज्म विश्व भर से आने वाला आदमी एक पूंजी निवेश के लिए आने वाला और टूरिस्ट में आने वाले में बहुत फर्क है टूरिस्ट तुरंत आपका एम्बेसडर बन जाता है अच्छी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा बुरी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा पूंजी निवेश जो करता है उसको इस काम में कई का समय लग जाता है अगर गलत हो गया तो लेकिन टूरिस्ट तो दो दिन में ही खबर पहुंचा देता रहे है यार भाई यहां तो ये हाल है और इसलिए आज भारत में भी मिडिल क्लास का बल कितना बढ़ रहा है टूरिज्म को लेकर के बहुत बदलाव आ रहा है अब टूरिज्म और ट्रैफिक नई समस्या आ रही है अब हम एडवांस में नहीं सोचेंगे ऑल्टरनेट नहीं सोचेंगे तो वही टूरिज्म के हमारे सेंटर तो कोई बदलने वाले नहीं है हम कहेंगे भी नहीं अब शिमला नहीं वहां जाइए तो ये तो होने शिमला जिसको जाना है शिमला ही जाएगा नैनीताल जाना है वो नैनीताल ही जाएगा श्रीनगर जाना है वो श्रीनगर जाएगा गुलबर्ग जाना है वो गुलबर्ग जाएगा हमें व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा साथियों हमने देखा है कोरोना के समय में जब पुलिस के लोग अपने क्षेत्र के लोगों को फोन करके पूछते थे और खास करके मैंने देखा है कुछ शहरों में सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस में जो बड़ी आयु के लोग हैं जिनसे अब ज्यादा मजदूरी करवाना उनके साथ भी अत्याचार है उन्होंने स्वेच्छा से ऐसे काम लिए हैं और वे सीनियर सिटीजन्स को लगातार पूछते हैं ठीक होना कहीं बाहर तो जाने वाले नहीं होना घर बंद करके जाने वाले नहीं होना കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനായി ചേരുന്ന ചിന്തൻ ശിബിർ സമാപനത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്